हेलो यू आर लाइव, आई एम लाइव। आपको लाइव में दिख रहा है क्या? अच्छा, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच। चुनिए केके कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th टू एमकॉम सीए सीएससीएमए बीबीए का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए चलो ठीक है। आपने हमारे सौरभ गांगुली जी को देख लिया, आपके अपने सबके सौरभ गांगुली जी, आपका मेंटर, हमारा मेंटर, सबका मेंटर। आवाज आ रही है? लिंक भेज दो। ओ हेनरी द सुडोनेम ऑफ विलियम सिडनी पॉटर। ही वॉज बॉर्न इन नॉर्थ कैरोलिना एंड वॉज एजुकेटेड देयर। ही लव टू रीड बुक्स राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अभी देखो, किसी किसी के है ना बुक्स पढ़ने की इच्छा पहले से होती है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट फोर में आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी। ये एक यूनिट फोर में आपका सेम टू में इंग्लिश में चैप्टर है, आपको इसको पढ़ना है, इसको समझना है। ओ हेनरी एक राइटर है, ऑथर है, जिसने ये स्टोरी लिखी है द पुलिसमैन ऑन। अभी इसमें क्या लिखा है टेक्स्ट में, इसमें ये चैप्टर में क्या, दिस इज अ टिपिकल ओ हेनरी स्टोरी विद द ओ हेनरी ट्विस्ट एट द एंड। इट टेल्स द टेल ऑफ टू फ्रेंड्स सेपरेटेड इन चाइल्डहुड व्हाइल परसुइंग देयर ड्रीम्स एंड मेकिंग अ पैक्ट टू मीट एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम आफ्टर 20 ईयर्स। कुछ याद आ रहा है? थ्री इडियट्स। What happens at the meeting from the crux of the story, besides the superb use of technique and language, the story also raises a interesting moral dilemma. Dilemma मतलब ऐसा confusion, duty or friendship. तो यही मजेदार किस्सा है। This is a typical O. Henry story. मतलब इसमें twist है, turns है, मजेदार एकदम अंधाधुन में जैसे होता है ना वैसे twist और turns है, कुछ तो गड़बड़ गया। The policeman on the beat moved up the avenue impressively after 20 years. The impressiveness was habitual and not for show. Four spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night. But chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well night deepened the streets. अभी देखो, रात को ऐसा एकदम ठंडी 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 हवा निकल रही, एकदम ठंडी, एकदम ठंडी, एकदम ठंडी, इतनी ठंडी कि रास्ते पे लोग ही नहीं है। जब बाढ़ वाड़ आ जाती है ना तो रास्ते पे लोग नहीं होते, वैसे ही यहाँ पर इतनी ठंडी हवा है कि कोई भी लोग नहीं है स्ट्रीट पर। डी पीपल, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, डी पीपल मतलब सुनसान, सुनसान एकदम। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट ट्वर्लिंग हिज क्लब विथ मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थोरोफेयर। द ऑफिसर विथ हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ द पीस। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और ऑफ ऑल नाइट लंच काउंटर। अभी देखो, दो ही चीजें चालू है क्या? ऑल नाइट काउंटर, खाने के जेवायचं, खायचं प्यायचं, ऑल नाइट काउंटर, हाउगल्ली होती है ना वैसे, और सिगार, सिगार के, सिगार, सिगार के स्टोर्स। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज। मतलब बहुत से धंधे बंद हो चुके हैं वहां पर। देन अबाउट मिडवे ऑफ सर्टन ब्लॉक द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, स्लोड हिज वॉक मतलब धीरे चलने लगा। In the doorway of darkened hardware store, a man leaned with unlighted cigar in his mouth. वो देखो, सिगार उसके माउथ में है ऐसे, unlighted मतलब जली हुई नहीं अभी तक, और ऐसा lean किया उसने। lean क्या मतलब? झुकना। meaning लिख लो आप, मैं भी लिख लेता हूँ, lean झुकना, ठीक है, झुकना। It's all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Oh, 20 साल पहले अपॉइंटमेंट ली गई थी, जैसे थ्री इडियट्स में वो लिखता है ना। देखो, सीन दिखाओ क्या, सीन दिखाओ क्या, थ्री इडियट्स थैंक्स सीन।
जैसे वो देखो टाकी पे वो लिखता है ना, ये रहा वो सीन। लाइव में आवाज नहीं है? है? कैसे डाबे? हिम्मत बोल। आएगा, आएगा। याद आया? नीचे उसके लिए टीशर्ट लगाई। बोलना। मैं आज यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो ये सीन है जहाँ पे दो दोस्त मिलते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सीन है। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। It's all right, officer, he said. When about midway, a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. अभी देखो, जब पुलिस वाला कोई आता है ना, तो अपन डर जाते हैं और जल्दी से बता दे। नहीं नहीं नहीं, मिठास तो सुबह है, ऐसे ही खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। It's all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for a friend. अभी मैं सिर्फ मेरे दोस्त के लिए रुका हूँ। अभी देखो, तुम रुके भी बाहर के बाहर हो तो कोई भी गलत ही सोचेगा ना। पान टपरी के बाहर रुके हो तो तुम उफ या दुबा केसरी वो सारी चीजें। इट्स ऑल डजंट इट वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इट्स ऑल स्ट्रेट। अबाउट द लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. Cigar अभी cigar मुंह में लिए और जलाई है, जैसे अभी समझो। नहीं देखिए, ठीक है। Cigar इसके मुंह में आ चुकी है, अभी जलेगी ऐसा करके जलाएगा। Until 5 years ago, said the policeman. It was torn down then. The man in the doorway struck a match. Struck a match मतलब match है क्या इधर? नहीं match नहीं। अभी चलो इसका example दिखाता हूँ। Struck a match. ठीक है। The light showed a pale, square, jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf Carfpin was a large diamond oddly set. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe's. Big Joe, hotel ka naam hai. Big Joe. Brad is with Jimmy Wales, my best chum and the finest chap in the world. अभी उसके friend के बारे में बता रहा है, किसको? Police officer और इसको। He and I were raised here in New York. आपका बचपन कहाँ पे गुजरा? वही चीजें बताइए, पुणे में, नासिक में, दुबई में। He and I were raised here in New York. Just like two brothers, भाई भाई के जैसे एकदम। लड़कियों में कभी नहीं होता कि हम बहन बहन के जैसे एकदम बड़े, बट हमेशा ये होता है भाई भाई के जैसे, मतलब दो दोस्त भी होते हैं ना तो भी भाई है अपना, भाई भाई जैसे। Brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. अपुन 18 का था, जिमी 20 का था। The next morning, I was to start for the west to make my fortune.
पैसा बनाने के लिए वेस्ट जाना था, टू मेक माय फॉर्चून मतलब ढेर सारा पैसा बनाना। टू मेक माय फॉर्चून वी फिगर्ड यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। न्यूयॉर्क क्या है पता है क्या, सिटी है मस्त। ये देखो ऐसी सिटी है न्यूयॉर्क। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है, 1.5-2 करोड़ के आसपास। मजा वैसे ही, ये न्यूयॉर्क सिटी है। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। वेल वी अग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम, नो मैटर वॉट आर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। अभी देखो चतुर रैंचो ये सब भी वहां से आते हैं 5 सितंबर को मिलने के लिए। तो हम वो कहानी जानते हैं ये 3 Idiots की, बट ये कहानी नहीं जानते आफ्टर 20 years, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। It sounds pretty interesting, we said the policeman. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? मतलब तुम्हारे फोन वोन पे बातें हुई है कि नहीं हुई? अबे 200 साल पहले कौन सा फोन था, क्या था, क्या लेटर थे? लेटर तो थे, मतलब कबूतर आता था, कबूतर लेटर देता था और जाते थे, वो सारी चीजें थी। बट अभी ठीक है, अभी फोन आ चुके हैं। Well, yes, for a time. वी करस्पॉन्डेड मतलब थोड़े समय के लिए बात की थी। अभी देखो नए नए होते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते, ऐसे ही होते हैं नया नया, आप 2-4 घंटा बात करते हो। बट आप जैसे जैसे टाइम ये होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप सामने वाले को कम टाइम देते हो और वो रिश्ता क्लोज खत्म। वेल यस फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, करस्पॉन्डेड मतलब बात की लेटर्स वगैरह भेजे, सेड द अदर, बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। देखो आप कितना भी बोल लो फोन पे रिश्ते रखना नहीं मजा आता, फिजिकल हो सामने हो तो ही मजा आता है। आपको दिख रहा है इंसान, आप साथ में जा सकते हो, घूम सकते हो, तो ये फोन पे क्या ही, मतलब फोन पे क्या ही कर सकते हैं, या फिर क्या कितनी बातें कर लोगे, क्या खाना खाया, क्या ये वो, क्या कोई सेंस ही नहीं हो चीज का, एकदम बकवास। वेल यस फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्ड अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर मतलब ट्रैक छूट जाता है। यू सी द वेस्ट इज प्रिटी बिग प्रपोजिशन, बिग प्रपोजिशन भाई एकदम बड़ा। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली, बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। ट्रूएस्ट मतलब खरा सच्चा इंसान, स्टॉन्चेस्ट हट्टा मोटा सा, एकदम हट्टा स्टॉन्चेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, old chap in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in his and in this door tonight and it's worth if it my old partner stir up. ये 1,000 kilometers से आया है कैसे दूर से, अगर उसका पार्टनर भी आ जाता है ना तो मजा आ जाएगा, पार्टनर मतलब दोस्त ही है उसका। The waiting man pulled out a handsome watch. The lids of it set with small diamonds. देखो ऐसे कोई उसने घड़ी पहनी थी। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच द लीड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड। लीड्स मतलब ये ऐसे दिखाऊं मैं आपको, मशीन इसके अंदर है, चालू है। ये देखो ये जो है ना
ये देखो लीड्स, ये जो है ना ये लीड्स है उसके, ये लीड है, ये लीड है, इस पे छोटे छोटे डायमंड है, मैंने जूम किया इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, ये छोटे 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 डायमंड है, करोड़ों के अरबों के डायमंड है, ठीक है ना। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट हैंडसम वॉच, द लीड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड, 3 मिनट्स to 10 ही अनाउंस्ड। 3 मिनट्स to 10 मतलब 3:10 बाकी है, ठीक है। 3 मिनट्स to 10 ही अनाउंस्ड, इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock वेन वी पार्टेड here at the restaurant door. Did pretty well out west, didn't you? Ask the policeman. You bet. I hope Jimmy was done half as well. तो देखो ये ना ये इंसान बोल रहे जिमी, जिमी उसका दोस्त है। I hope Jimmy has done half as well. अभी इसको पता नहीं है, पुलिसमैन है, पुलिसमैन को ये बोल रहा है काश मेरे दोस्त जिमी ने भी आधा किया होगा, ठीक है। Jimmy has done half as well. He was a kind of plotter though. गुड फेलो एज यू आर, अच्छा दोस्त था अपना, एकदम अच्छा दोस्त था। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माय पाई। अ मैन गेट्स इनटू ग्रूव इन न्यूयॉर्क, इट टेक्स वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। मतलब है ना तुम अभी देखो इंडिया के लिए न्यूयॉर्क मतलब मुंबई सिटी, जैसे ही तुम मुंबई में जाओगे वाट लगाना चालू, टाइम से मॉर्निंग में सुबह उठने का 6 बजे, फिर सामने ऑफिस वाले तुम्हारी किच किच करेंगे, तुमको फिर सारी चीजें संभालनी पड़ती है। ठीक है ना। डिड प्रीटी वेल, द पुलिसमैन ट्वर्ल्ड हिज क्लब, टुक अ स्टेप और टू। आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। आई शुड से नॉट, सेड द अदर, आई विल गिव हिम Half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. मतलब एन ऑफिसर बोल रहा है आधा घंटा एक्स्ट्रा तो देने चाहिए तूने उसको। Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat. Beat मतलब टप 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 आवाज करते हुए। Trying doors as he went. There was now a fine cold drizzle falling. Cold drizzle falling मतलब बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी। And the wind had risen from its uncertain puffs into steady blow. Puffs मतलब है ना puffs, और blow मतलब ऐसा blow बड़ा होता है। The few foot passengers astir in the quarter hurried dismally and silently, along with coat collars turned high and pocketed hands. अभी अपने इधर कोट छोटे मोटे होते हैं, उनके एकदम लॉन्ग कोट्स होते हैं यूके वालों के। About 20 minutes he waited, and then absently a tall man in a long overcoat, overcoat मतलब लंबा सा overcoat जो घुटने तक आता है वो overcoat, with collar turned up to his ears, hurried across from the opposite side of street. He went directly to the waiting man. Is that you, Bob? Bob और Jimmy ये दो character है अपने इसमें। He asked doubtfully. Is that you, Jimmy Wales? Cried the man in the door. Bless my heart! Exclaimed the new arrival, grasping both the other hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you are still in existence. अभी देखो 20 साल से तुमने किसी इंसान को देखा नहीं है, महाआबादी आ चुकी है, बाढ़ आ चुका है, कोरोना आ चुका है, महामारी आ चुकी है, बहुत बहुत चीजें हो चुकी, तो तुमको थोड़ी ना पता 20 साल के बाद ये इंसान जिंदा है कि नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे ही कर रहा है। इज दैट यू जिमी? वेल वेल, आई वॉज सर्टन आई वुड फाइंड यू हियर इफ यू आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, मतलब अगर तू जिंदा है तो मुझे पक्का मिलेगा। वेल वेल वेल, 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन। अभी देखो पुराने रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, अब 20 साल में तो क्या क्या हो जाता है, रिश्ते बदल जाते, सारी चीजें हो जाती, तो वैसे ही जो पुराने रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हो चुके हैं। बॉब, आई विश आई इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव अनदर हैड अनदर डिनर ही देयर। अभी देखो इसमें है ना कोई होटल है जहाँ पे 20 साल पहले इन्होंने खाना खाया है, पर अब वो होटल बंद हो चुका है। ऐसे बहुत से होते हैं ना, कोविड में बहुत से होटल बंद हो गए, 20 साल में कितने होटल बंद हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। हाउ हैज I wish it had lasted so we could have another dinner here. How has the waste treated you, old man? Bully, it has given me everything I asked for.
यू हैव चेंज लॉट्स जिमी. अभी ये है ना, बॉब बता है कि मुझे तो सब कुछ दिया है न्यूयॉर्क ने, वेस्ट ने, न्यूयॉर्क ने सब कुछ दिया जो जो मैंने चाहा. यू हैव चेंज लॉट्स जिमी. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches. ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. 20 साल के बाद भी हाइट बढ़ती है, ध्यान रखो, इसमें बता है. Doing well in New York, Jimmy. Moderately, I have a position in one of city departments. Come on, Bob. We will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. अभी देखो, कोई दोस्त तुमको 20 साल के बाद मिलते हैं तो तुम उसको क्या बोलते हैं? चल मस्त बापू पुल पे जाके बैठते बातें करेंगे, ऐसा वैसा. तो उसने भी बताया कि चल एक जगह, मुझे पता है, बॉब बता रहा है जिमी को, जिमी बता रहा है बॉब को कि चलो एक अच्छी जगह मेरे को पता है. I know of have a good long talk about old times. पुरानी बातें याद करेंगे, पुराने कॉलेज के दिन याद करेंगे, फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एग्जाम दी, फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में ऑफलाइन एग्जाम दी, वो सारी चीज़ें याद करेंगे, कैसे पास हुए क्या पता, क्लासेस की बातें याद करेंगे, सोमेश्वर गए थे वो याद करेंगे, फिर इसका बर्थडे मनाया था वो याद करेंगे, स्टारबक्स गए थे कुछ बच्चे वो भी याद करेंगे, बहुत सी चीजें याद करेंगे, मिसल खाई थी. द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट. आम ही नाम. अभी देखो, दोस्त के साथ जाना है तो ऐसा मस्त आम ही नाम, मतलब ऐसा हाथ उसके कंधे पर डाल के एकदम जिगरे दोस्त कैसे घूमते हैं वैसे घूमने का. आम ही नाम, आम इन आम. द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज इगोइज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस एंड वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन हिज हिस्ट्री ऑफ हिज करियर. द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसेंड विथ इंटरेस्ट. अभी देखो, मैन फ्रॉम वेस्ट मतलब ये बता रहा है कि उसने कैसे उधर न्यूयॉर्क में मस्त करियर वीरियर बनाया, बहुत से पैसे बनाए. एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर. ड्रग स्टोर मतलब मेडिकल. ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर. ग्लेयर मतलब आंखों में चुभने लगना. ईच ऑफ देम टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अप टू द अदर्स फेस. मतलब ये देखो, स्ट्रीट में ना लाइट नहीं थी, अपने जैसे ही हाल है उधर, रास्ते पे लाइट नहीं रहती, लाइट है तो भी बंद है, नगर से वो क्या कर रहे क्या पता, बट ठीक है उधर भी ऐसे ही हाल है, लाइट वाइट बंद है, आगे जाके जो होगा वो होगा, देखा जाएगा. तो हिस्ट्री ऑफ हिज करियर, द गेज अपॉन द अदर फेस, अदर्स फेस, फेस चेहरे पे देखना, लाइट आएगी. अभी देखो, जैसे अभी अंधेरा कर दूं, हो रहा है क्या अंधेरा, हाँ हो गया, थोड़ा सा अंधेरा कर दिया, मेरा चेहरा दिख रहा है क्या, नहीं लाइट कर दिया, दिख रहा है, तो वैसी चीज है, फेस दिख रहा है. द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म. यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड. 20 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन्स नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग. रोमन टू अ पग मतलब, पग मतलब पता है क्या है, तुम सबको पता है, तुमने देखा है पग को, PUG, सबने देखा है, ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जिसने पग को नहीं देखा है, टीवी पे कहीं ना कहीं तो देखा ही है. मैं दिखाऊंगा तुमको पग, दिखाओ क्या, गेस कर सकते हो, पग पग, हाँ, वोडाफोन वाला कुत्ता. पग मतलब कौन, वोडाफोन वाला कुत्ता, मेरे पास भी था रियो नाम करके, रियो, ठीक है चलो अलग अलग किस्सा है. The man from the west stopped suddenly and released him. You are not Jimmy. Man from the west कौन है, Bob. वो बोलता है you are not Jimmy. ऐसा रुका, अरे तू Jimmy नहीं है, Jimmy नहीं है. You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 years ago is a long time, but not enough long enough to change a man's nose. नाक नहीं बदलती भैया ऐसे. कुछ हुआ होगा अभी, ठीक है. Man's nose from a Roman to pug. अभी pug का नाक कैसे है? नाक तो दिख रहा है क्या इसका? टुकलेगा कैसे, तो भी अजीब सा नाक है उसका, ठीक है ना. पग, नोज ऑफ फ्रॉम अ रोमन टू पग. रोमन मतलब ऐसा एकदम सुंदर, एकदम सुंदर मतलब कैसा, एकदम एम्बर हर्ड जैसा नाक है. एकदम ऐसा नाक है समझो, उसका ऐसा नाक था पहले, मतलब HD में नहीं है ठीक है, एकदम ऐसा नाक था उसका 20 साल पहले और अभी कैसा हो गया है. कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन कर रहे हो क्या, देख रहे हो क्या, कंपैरिजन देखो. एकदम मतलब ऐसा नाक था और कैसा हो गया, मतलब ये ऐसा हो चुका है, नाक ही नहीं रहा, किसी ने ओम मुक्का मारा होगा. मैन्स नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग, इट समटाइम्स
changes a good man into a bad one. Said the tall man, you have been under arrest for 10 minutes. Silky Bob, Chicago thinks you may have dropped over our way and wired us. She wants to have a chat with you, going quietly, are you? That's sensible. Now before we go on the station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here at Windows. It's from Patrolman Wales. The man from the West unfolded the little piece of paper, handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. अभी देखो, कुछ हाथ में लिया लेटर अपन ने, अपन पढ़ रहे, ठीक है चलो पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, पर जैसे कुछ न्यूज़ आती है उसमें हाथ कांपने लगते, तो वैसे ही है. Wow, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of man wanted in Chicago. Somehow, I couldn't do it myself, so I went around and got the plain clothes policeman to do the job. समझे? इसमें ऐसा है, बॉब ने लिखा है, I was at the appointed place on time. बॉब आ चुका था टाइम पे, but उसने when you struck the match to light your cigar, मतलब उसने देख लिया जब वो सिगार जला रहा था, आग लगी, माचिस में आग लगी है ना, तो तब उसका चेहरा दिख गया और उसको पता चल गया है कि ये आदमी शिकागो में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है या कुछ भी है, मोस्ट वांटेड है, मैन वांटेड इन शिकागो. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plain clothes policeman to do job. Plain clothes policeman मतलब जो वर्दी में नहीं रहते ना, बोलो ठीक है. तो इसमें अभी अपन क्वेश्चन आंसर्स भी लगे हाथ डिस्कस कर लेंगे. कितना टाइम हुआ? ठीक है ना, चलो. बीट मतलब हियर द नेबरहुड राउट द पुलिस ऑफिसर नॉर्मली फॉलोज. एवेन्यू अ वाइड स्ट्रीट. अभी देखो क्वेश्चन क्या था, हु वॉज द टॉल मैन. टॉल मैन कौन था? जिमी, बॉब, पुलिसमैन. What, who do you think the patrolman well is? Why is the silky bob under arrest? Silky bob मतलब नाम ही गुंडे जैसा है. शकील, फिर गुंडों का नाम क्या होता है? रॉकी, तो ऐसा रॉकी भाई, तो ऐसा silky bob नाम ही गुंडों जैसा है, तो under arrest. तो उसको क्यों अरेस्ट किया है वो बताना है हमें. वो वांटेड है, शिकागो में वांटेड है, इसलिए उसको अरेस्ट किया है. है ना, वो शिकागो में वांटेड है इसलिए उसको अरेस्ट किया है. फिर डिस्क्राइब सिल्की बॉब्स अपीयरेंस. बॉब्स का अपीयरेंस बताना है. पग के जैसा नाक, रोमन नाक, सारी चीजें बतानी है डिटेल में. क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया है इसमें, शार्प में. कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली कीवर्ड्स उठाओ, कीवर्ड्स डालो, पास हो जाओ. सब फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल करके दिए मैंने आपको, यूट्यूब पे, ऐप पे, सारी चीजें अवेलेबल है. आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं. शार्प देखो, उसमें अंडरलाइन करो, पॉइंटर्स अंडरलाइन करो, फटाफट खत्म होगा तुम्हारा. When did Silky Bob realize that the plain clothes man was not Jimmy? अभी देखो, वो वहां से चलते चलते अंधेरे में ड्रग स्टोर, मेडिकल के वहां पे लिखना, तुमको ड्रग स्टोर ही है, मेडिकल नहीं लिखना है, ड्रग स्टोर लिखना है. ड्रग स्टोर के वहां पे जो लाइट है वो गिरती है, तब पता चलता है उनको. फिर what sort of relation Bob and Jimmy had? 18 साल, 20 साल, फ्रेंडशिप, बहुत गहरी फ्रेंडशिप. वेस्ट चला गया, इधर चला गया, ये सारी उनकी फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस करना है. 30 से 40 वर्ड में, 150 वर्ड्स में सारे क्वेश्चंस तुमको देखने हैं, सॉल्व करने हैं. कुछ भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन लिंक में डालो, नीचे ऐप पे पूछो, कॉल करके पूछो, कोई भी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है.